हाई ब्यूटिफुल पीपल आई होप कि सब बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में डेनमार्क में आज के टाइम में नए साल में बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं डेनमार्क को इंटरनेशनल वर्कर्स की ज़रूरत है बहुत डिमांड है हमारे भारत के लोग ये जो जॉब्स हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं उनको वर्क परमिट मिल सकता है तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है डेनमार्क ने एक लिस्ट जारी की है वर्कर्स की तो मैं वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए तो ये गुड न्यूज़ मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाना चाहता हूं आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए अगर आपको कोई सवाल पूछना है डेनमार्क में जॉब्स से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड स्पाउस वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हम आपको रिप्लाई करेंगे सुनाओ so अब मैं आपको ये पूरी की पूरी ब्रेकिंग न्यूज दिखाता हूँ सुनाओ लेट मी शो यू सुनाओ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये है न्यू टू डेनमार्क यानी कि डेनमार्क सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर मैं आपको ये न्यूज दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पब्लिश्ड वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी कि फर्स्ट जनवरी को ये लिस्ट पब्लिश की गई थी जॉब की लिस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन एंड पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर फॉर द हाफ ऑफ 2023 यानी कि डेनमार्क में दो टाइप की जॉब की लिस्ट हैं एक जिनके पास हायर एजुकेशन है दूसरा जिनके पास स्किल्ड स्किल्ड का वर्क एक्सपीरियंस है यानी कि स्किल्ड उनके पास है आगे लिखा हुआ है सिरी हियर बी अनाउंसेस द न्यू पॉजिटिव लिस्ट फॉर रिस्पेक्टिवली पीपल विद हायर एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कर विच विल टेक इफेक्ट ऑन फर्स्ट जनवरी टू द पॉजिटिव लिस्ट विल बी इन इफेक्ट अनटिल थर्टीन जून टू यानी कि हर छः महीने में एक ये नई लिस्ट निकालते हैं जिसमें ये बताते हैं कि इनको कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन से वर्कर की ज़रूरत है और ये जो नई लिस्ट है ये 30 जून तक एप्लीकेबल रहेगी यानी कि आपको 30 जून से पहले अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको ये जॉब्स आपको मिल सकती हैं और आगे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद हायर एजुकेशन विल पर फर्स्ट जनवरी 2023 कंटेन अ टोटल ऑफ 40 जॉब टाइटल्स यानी कि जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें 40 जॉब के टाइटल्स इन्होंने दिए हुए हैं जो मैं आगे, आगे आपको दिखाऊंगा आगे लिखा वाइल्ड द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर कंटेन्स 36 जॉब टाइटल्स यानी कि जिनके पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके जो जो जॉब्स है, हैं छत्तीस जॉब टाइटल्स इन्होंने दिए जो मैं अभी आगे, आगे, आगे आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं ताकि आपको नॉलेज मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कौन कौन सी फील्ड है तो यहाँ पर लिखा है फोर्टी जॉब टाइटल्स फॉर पोजिशन ओपन फॉर फॉरनर्स विद हायर एजुकेशन और यहाँ पर लिस्ट दी गई है उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए मैनेजर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस यानी कि प्रोडक्शन एंड सर्विस की फील्ड में इतने सारे जॉब्स खाली पड़ी हैं इनके पास यानी कि हेड ऑफ़ प्रोडक्ट नेचुरल साइंसिस इंजीनियर चाहिए केमिस्ट विद अ मास्टर डिग्री बायोलॉजिस्ट विद अ मास्टर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर इन बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है इन्वामेंटल इंजीनियर्स की ज़रूरत है अगर आपका बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ज़रूरत है टाउन प्लानर की ज़रूरत है मास्टर डिग्री है इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में इनको ज़रूरत है मेडिकल डॉक्टर्स विद अ मास्टर डिग्री हॉस्पिटल डॉक्टर नर्सिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट हैं फिजियोथेरेपिस की ज़रूरत है इसके अलावा आप देख सकते हो टीचिंग के अंदर भी ज़रूरत है सोशल साइंस विद मास्टर डिग्री यानी कि ये जॉब्स उनके लिए जिनके पास बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री है आगे लिखा है इंडिपेंडेंट स्कूल आप खुद से ही बहुत सारी पढ़ सकते हैं बहुत स्लो रोक के भी आप देख सकते हैं चाइल्ड केयर वर्कर्स भी चाहिए सोशल एजुकेशन वर्कर्स भी चाहिए इनको इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी चाहिए ऑडिटर्स विद मास्टर्स डिग्री अकाउंटिंग कंट्रोलर चाहिए फिनानशल एनालिस इनको चाहिए थ्री ईर्यर्स एजुकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इसके अलावा आई की बहुत सारी जॉब्स आप पढ़ सकते हो आई टी आर्किटेक्ट विद एटलीस्ट थ्री ईयर्स आई टी एजुकेशन बैचलर डिग्री यानी कि आपके पास तीन साल की डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं आई टी इंजीनियर इनको चाहिए आई प्रोजेक्ट लीडर्स चाहिए आई टी ट प्रोग्राम एंड सिस्टम डिवेलपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ये सब बैचलर डिग्री वाले हैं जिनके पास डिग्री है उनको जॉब चाहिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा लॉ सोशल साइंस कल्चर में लीगल ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट सोशल वर्कर प्रीस्ट ऑर्गेनिस्ट कैंटर So, ये सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं इसके अलावा टेक्नीशियन वर्क इन साइंस आर्किटेक्चुरल टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस विद अ प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री तो ये लिस्ट थी जिनके पास डिग्री हैं और एक्सपर्टीज़ हैं इनके पास तो ये थी एजुकेशन वाली डिग्री आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन फॉर फोनस विद हायर एजुकेशन यानी कि सारी डिग्री हायर एजुकेशन वालों के लिए अब हम बात करते हैं जो दूसरी लिस्ट है जिसमें स्किल्ड वर्कर की बात की गई है यहाँ पे लिखा है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स की भी इनको जरूरत है आगे लिखा हुआ है साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल यानी कि इनको चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए जियो टेक्नीशियन चाहिए प्लम्बर चाहिए जो भारत के प्लम्बर उनको जॉब मिल सकती है मशीन कंस्ट्रक्टर चाहिए फोरमैन इनको चाहिए इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एम्प्लॉय चाहिए सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर सेल्स कंसल्टेंट शिपिंग एजेंट प्रॉपर्टी मैनेजर लॉजिस्टिक एम्प्लॉय लीगल सेक्रेटरी मेडिकल सेक्रेटरी ये सारी जॉब्स खाली हैं अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट और स्किल्ड है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा लीगल सोशल कल्चरल एंड रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेशनल चाहिए हेड शेफ़ चाहिए इनकी कुक इनको चाहिए अगर आप कुक हैं तो आपको जॉब मिल सकती है जनरल सेक्रेटरी क्लर्क चाहिए लीड ऑफिस क्लर्क चाहिए ऑफिस असिस्टेंट इनको चाहिए इसके अलावा बुक कीपर चाहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लर्क पे रोल बुक कीपर इसके अलावा पर्सनल केयर वर्कर चाहिए सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट विद डेनिश ऑथोराइजेशन लैंडस्केप गार्डनर मार्केट ओरिएंटेड इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रिक लेयर यानी कि जो मिस्त्री होते हैं कारपेंटर होते हैं बिल्डिंग पेंटर एंड डेकोरेटर पेंटर की भी जरूरत है इनको इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट मेटल मशीनरी इसमें वेल्डर हमारे भारत के वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं ब्लैक स्मिथ शीट मेटल वर्कर अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सी ऑपरेटर हो तो आपको जॉब मिल सकती है मैकेनिक पैसेंजर कार्स अगर आप कार के मैकेनिक हो तो आपको जॉब मिल सकती है क्रेन मैकेनिक को जॉब मिल सकती है एग्रीकल्चरल मशीनरी को मिल सकती है इसके अलावा अदर्स में लिखा हुआ है पर्सनल सर्विस वर्कर शेफ़ चाहिए कुक इनकी बहुत ज़रूरत है आगे लिखा है इलेक्ट्रीशियन अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो आपको जॉब मिल सकती है इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग वुड वर्किंग गारमेंट एंड अदर क्राफ्ट तो ये सारी जॉब्स मैंने आपको दिखा दी हैं चालीस जॉब एजुकेशन डिग्री के साथ एंड छत्तीस जॉब इनके पास ये पूरी की पूरी जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए ज़रूरत है यहाँ पर लेकर स्किल्ड वर्कर तो आई होप कि ये पूरी की पूरी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो तो आप प्लीज़ इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो आप हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछिए हम आपकी मदद करेंगे इसके अलावा अगर आप कोई जब्स अप्लाई करें तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेनमार्क को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं है। अगर आपको डेनमार्क में एडमिशन चाहिए तो एडमिशन भी करा सकते हैं अगर आपको स्पॉट्स वीज़ा चाहिए तो वो दिला सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा आपको दिला सकते हैं तो आपको कोई भी कंसर्न और डेनमार्क को लेकर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपकी मदद करेंगे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली डेनमार्क की वीडियो देखने को मिलती रहे सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए